Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Guys, today we are going to discuss new topic Botanic Stream in Quantitative Aptitude for SSC Banking. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLV Classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram and my Facebook group. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now guys, come to the topic. इसका टॉपिक क्या है? Botanic Stream में क्या जानेंगे? इसके फॉर्मूले पहले देखते हैं क्या है। सिचुएशन क्या होती है? पहली आपकी सिचुएशन होती है स्टिल वाटर की, ठीक है? स्टिल वाटर यानी जो मोशन में ना हो, स्टेशनरी पोजिशन में हो, ठीक है? जो एकदम ऐसा हो जिसमें की कोई भी मूवमेंट ना हो, जो हिले डुले ना, ठीक है? तो उसकी स्पीड क्या होगी आपकी? जीरो होगी। समझ में आया? और स्ट्रीम यानी स्ट्रीम में आपका क्या होगा? कंस्टेंट स्पीड होगा, ठीक है? कॉन्स्टेंट स्पीड इसमें होगा। समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है। और ये टू हो गया। थ्री में आपका है डाउन स्ट्रीम स्पीड। जब भी डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलेगा, यानी जैसे ये बोट है, ठीक है, यहाँ पर समझिए ये बोट है, ओके, यहाँ पर एक आदमी बैठा है, ये चला रहा है और ये रिवर है, फ्लो यहाँ पर है, ठीक है, और ये बोट भी यहीं पर जा रहा है, ठीक है? ये पानी का जो फ्लो है, इसी डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, पानी मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में बोट भी मूव कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या होगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड। उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ द बोट, यानी इसकी जो स्पीड है इसी डायरेक्शन में जा रही है, प्लस स्पीड ऑफ द करंट यानी फ्लो, इसकी स्पीड, ठीक है? जैसे ये एक्स हुआ, स्पीड ऑफ द बोट आपका एक्स हुआ, ठीक है, और ये वाई हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। समझ में आया? और यहां पर है कि ये टुवर्ड्स द फ्लो जाएगा, ठीक है, फ्लो के डायरेक्शन में ही जाएगा जो बोट है, और इसमें क्या होगा? अपस्ट्रीम में क्या होगा? अगेंस्ट द फ्लो, यानी फ्लो के अगेंस्ट जाएगा। मतलब अगर ये बोट है, ओके, यहां पर ये रिवर है, ओके, यहाँ पर एक इंसान है जो बोट मूव कर रहा है, फ्लो आपका इस डायरेक्शन में है, पानी का फ्लो आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, फ्लो, और बोट को मूव कहाँ कराया जा रहा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है? अगर ये एक्स है और ये वाई है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। समझ में आया? यानी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द करंट यानी फ्लो। स्पीड ऑफ द बोट एक्स है और स्पीड ऑफ द करंट यानी फ्लो क्या है? वाई है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। जब भी अगेंस्ट की सिचुएशन क्रिएट होगा और जब भी टूवर्ड्स द फ्लो बोलेगा तो एक्स प्लस वाई लगाना है। ओके गाइस, समझ में आ गया? नाउ गाइस, कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ द बोटमैन इज इन स्टील वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, then the speed of the boatman in downstream is, so we need to find the speed of the boatman, ठीक है? Downstream में निकालना है, ठीक है? तो downstream से क्या समझ रहे हैं कि ये towards the flow होगा, towards the current, okay? तो downstream का formula यहाँ पर पहले लगाएंगे, downstream ds, ठीक है? Downstream को मैं shortcut में ds लिख रही हूँ, और यहाँ पर क्या था कि speed of the boat, स्पीड ऑफ दी बोटमैन प्लस स्पीड ऑफ द करेंट, करेंट यानी फ्लो, इसको क्या करेंगे? करेंट इसको क्या इंडिकेट कर रहा है? जो स्ट्रीम का स्पीड है, यानी स्ट्रीम मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड जो होता है, ठीक है? तो कॉन्स्टेंट स्पीड यहां पर आएगा, तो स्पीड ऑफ द बोटमैन कितना है स्टील वाटर में? तो यहां पर बोट का स्टील वाटर में है, ये स्टील वाटर है, ठीक है, स्टील वाटर, तो ये है 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम में कितना है आपका? स्ट्रीम यानी जो भी है कांस्टेंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। करंट यानी फ्लो को जो इंडिकेट कर रहा है वही स्ट्रीम का स्पीड है। समझ में आ गया? कॉन्स्टेंट यानी जो कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है? कॉन्स्टेंट स्पीड कितना दिया है आपका? तो ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर। सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, समझ में आ गया?
नाउ गाइस कम टू द लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये बेस्ड है अप स्ट्रीम पर, ठीक है। इसके पहले मैंने डाउन स्ट्रीम बताया था, अब देखते हैं कि अप स्ट्रीम में क्या है। स्पीड ऑफ द बोटमैन इन स्टील वाटर, ये बोट मैन है यहाँ पर ये चला रहा है, ये स्टील वाटर है, ठीक है। स्टील वाटर यानी यूनिफॉर्म है, ठीक है। स्टेशनरी पोजीशन में कोई भी मूवमेंट नहीं है पानी में, एकदम स्थिर पानी है, तो वो है आपका 18 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द वाटर स्ट्रीम, ठीक है। तो स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है। स्ट्रीम की जब भी बात करेगा तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा स्पीड इसका। कांस्टेंट स्पीड यानी एक फिक्स स्पीड पर चल रहा है, समझ में आया। कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है तो इसका स्पीड है आपका 12 किलोमीटर। और ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो करंट का जो फ्लो होता है, समझ में आया। तो अब ये अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है गाइस, मैंने क्या बताया था, अपस्ट्रीम को यूएस लिख सकते हैं, यूएस इज इक्वल टू, अब ये अगेंस्ट है, ठीक है। यहाँ पर बोला अपस्ट्रीम, तो जो हम लोगों को निकालना क्या है, ये है बोट चला रहा है और ये है आपका फ्लो है, ठीक है। ये करंट है, मान लीजिए ये करंट है। अब क्या है, बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है और पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही निकालना है हम लोगों को कि इसका स्पीड क्या है, कि बोट आपका अगेंस्ट ही डायरेक्शन चल रहा है, यानी अगेंस्ट द फ्लो, ठीक है। पानी के फ्लो के अगेंस्ट चल रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा सिचुएशन, यूएस इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट है बोटमैन, ठीक है। बोटमैन की स्पीड उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट। ये इसमें क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द करंट में आपका स्ट्रीम का जो भी स्पीड है वही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कीजिए, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्पीड ऑफ द बोटमैन कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर प्लस स्पीड ऑफ द करंट आपका है ये 12 किलोमीटर लिखेंगे, 12 किलोमीटर। ये प्लस नहीं होगा क्योंकि ये आप स्ट्रीम है, माइनस करेंगे, ठीक है, पर आवर। तो ये आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, ये समझ में आ गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो क्या है, यहाँ पर अगेंस्ट द फ्लो है और डाउन स्ट्रीम में क्या है, टूवर्ड्स द फ्लो है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।